हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि इस वक्त आप सभी देख पा रहे होंगे, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब वो स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, टू पॉइंट फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वो फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है बेटा जी? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कहते किसे हैं और क्यों कहते हैं, ये चीज आपको पता चल जाएगी अभी। इंटरसेप्ट फॉर्म से मतलब ये है, जब आपको किसी क्वेश्चन में दो चीजें गिवन देगा, यानी एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन देता है, सपोज एक्स इंटरसेप्ट इज ए, वाई इंटरसेप्ट इज बी, तो एक चीज बताओ, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? जल्दी से कोई भी एक जना आंसर दो फटाफट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? अभी बताया था। बोलो बोलो, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? जल्दी बोलो। कोई भी एक जना आंसर कर दीजिए बेटा, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स पे कट कर रही है कोई लाइन, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? कोई लाइन वाई पे कट कर रही है। तो यानी वाई पे मतलब कट कर रही है। पॉइंट हो गया ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बी। गलत तो नहीं बोला, मतलब एक लाइन जो है इस बार दोनों को कट कर रही है। अगर एक चीज बताओ, एक लाइन के दोनों पॉइंट्स पता चल जाए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता चल जाए, तो क्या होगा? जल्दी से बोलो, क्या मैं दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ? अगर हमारे को एक लाइन के दो पॉइंट्स पता हो, तो क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बता सकते हो? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला जल्दी से बोलो युवराज जी। टाइम की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए फटाफट यस आंसर सर, सर दीजिए। वाई माइनस वाई वन हाँ, इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन। वेरी गुड। इसी तरीके से अब एक चीज बताओ, वो दो पॉइंट्स हमारे सपोज एक्स वन वाई वन ये हो गए, एक्स टू वाई टू ये हो गए, तो मैं इसको वाई वन को बी, वाई टू को जीरो, माइनस बी अपॉन ए माइनस जीरो, एक्स माइनस एक्स वन को जीरो, यानी वाई माइनस बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एक्स ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। अब इसी को यहाँ पे ध्यान से देखना, बी एक्स प्लस के ए वाई इज इक्वल टू, ये जो ए बी है वो राइट हैंड साइड ले गया, डिवाइड बाय ए बी ऑन बोथ साइड करा, तो यानी बी एक्स को भी ए बी से डिवाइड करा, ए वाई को भी ए बी से डिवाइड करा और ए बी को भी ए बी से डिवाइड करा। तो एक्स के नीचे क्या आ गया? ए, वाई के नीचे क्या आ गया? बी इज इक्वल टू वन। तो यानी कि एक फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, जब हमारे को एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे, तो एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट और वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट होता है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में हमारे को बहुत सीधा क्वेश्चन दे, तो हमारे को जरूरी नहीं है कि पूरे बड़े मेथड से करना पड़े, पर ये फॉर्मूला तो वही लगाए, जो अगर आप भूल जाओ तो आप ऑन द स्पॉट बना सकते हो किसी भी इक्वेशन को। जैसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, उसने क्वेश्चन बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्सिस इंटरसेप्ट आर, या मैं ऐसे लिख देता हूँ लाइन में, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट इज 3 एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इज 5। तो अब एक चीज बताओ, यानी मुझे एक्स इंटरसेप्ट गिवन है 3, यानी ए गिवन है, और बी यानी वाई इंटरसेप्ट गिवन है 5। तो इक्वेशन एक तो हो गया रटाफिकेशन बेसिस पे, कि रिक्वायर्ड इक्वेशन अगर मैं निकालता तो फॉर्मूला लिखता यार एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स अपॉन कितना रहेगा 3 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। लाइक कैसे? अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता है, तो एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट और वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट लिख दो 15, तो 5x प्लस के 3y इज इक्वल टू 1, तो 5x प्लस के 3y इज इक्वल टू 15, डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। पर अगर सपोज आप भूल जाओ, तो आप कैसे सोचोगे? देखो, एक्स इंटरसेप्ट इज 3, वाई इंटरसेप्ट इज 5, तो यानी पॉइंट क्या हो गए? दो पॉइंट्स कौन कौन से हो गए सोचो, तो एक्स इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग हो गया 3,0, वाई इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग हो गया 0,5। क्लियर है? अगर आप इनकेस भूल जाओ तो बता रहा हूँ मैं, रटने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन वाला याद है आपको? तो आप इससे भी कर सकते हो, वाई माइनस वाई वन क्या है?
जीरो, वाई टू क्या है, फाइव माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, तो वाई माइनस इज इक्वल टू फाइव बाई माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन, सबको राइट हैंड साइड ले गया तो फाइव एक्स माइनस प्लस के थ्री वाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो,